छत्तीसगढ़ कुम्हार समाज के लोगों द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाने भूमि की मांग को लेकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंच गुहार लगाई। छत्तीसगढ़ कुम्हार समाज के बैनर तले कुम्हार समाज के लोगों ने अपनी जीवन यापन के लिए मिट्टी से बर्तन बनाने गांव में रिक्त भूमि की मांग को लेकर अपनी आवाज उठाई है। साथ ही पिछली सरकार द्वारा भी माननीय मंत्रालय से प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र के कुम्हारों के लिए 5 एकड़ भूमि आरक्षित करने हुए आदेश के बाद भी अब तक भूमि आवंटित नहीं किए जाने का विरोध जताया है। पूरे अंचल के कुम्हार ग्रामीणों ने जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपकर पीड़ा बताई है। कुम्हार समाज कुर्ग दुर्ग जिले के लोग हैं और इन लोगों की बहुत दिनों से मांग थी कि हम कलेक्टर साहब से मिलें और अपनी बातों को रखें। पिछले शासनकाल थे मुख्यमंत्री रमन सिंह भी घोषणा किए थे कि 5-5 एकड़ प्रत्येक गाँव में कुम्हार को दिया जाना चाहिए, जो मिट्टी निकाले और उससे वो सामग्री बनाए। वो जो मांग है वो अभी तक लंबित थी। वर्तमान जो भूपेश सरकार है उन्होंने भी इसी बात को फिर से रिपीट किया है कि प्रत्येक गाँव में एक एक गाँव में 5-5 एकड़ की जमीन कुम्हारों को दिया जाना चाहिए और वो आदेश भी पारित हुए हैं, पंचायतों में भी पहुंची है। लेकिन कई पंचायतें कुम्हार समाज को गुमराह कर रहे हैं, कई जगह मिल रहे हैं, कई जगह नहीं मिल रहे हैं और कहीं पर अतिक्रमण भी है, कोई अलग अलग बड़े कंपनियों के द्वारा तो कहीं गाँव के द्वारा। तो इस टाइप की इसी मांगों को लेकर ये जिला कलेक्टर से मिलने आए थे। आज प्रवीण वर्मा जी जो भू अभिलेख देख रहे हैं अपर कलेक्टर, उनसे मुलाकात हुई है और वो आश्वासन दिए हैं। अलग अलग गांवों से, मेड़े सरस से, किकिर मिटर से, थनौत से, ऐसे कई गांवों से जहां पे कलाकार लोग रहते हैं कुम्हार समाज के, जो मूर्तियां बनाते हैं, घड़ा दिया सब बनाते हैं मिट्टी से, तो ऐसे लोगों सभी लोग ये मांग किए हैं कि हमको ये मिट्टी और ज़मीन मिलनी चाहिए जिससे हमारी काम सुचारू ढंग से चल पाए। इसी मांग को लेकर हम लोग आए थे। बहुत दिनों से मांग है कि मिट्टी के संबंध में, क्योंकि कुम्हार समाज हम लोग मेहनत का समाज है और मिट्टी पर ही आधारित है। और मिट्टी के संबंध में आज हम विगत 2006 में माननीय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने घोषणा की थी, मगर आज तक उसका अभी तक पालन नहीं हुआ है। उसी के सिलसिले में आज हम कलेक्टर 5 एकड़ प्रत्येक गांव में जो कुम्हार निवास रहते हैं, मगर अभी तक वो हल नहीं हो पाया। और अभी माननीय भूपेश बघेल जी ने पुनः 5 एकड़ जमीन में घोषणा की है, जिन्हीं संदर्भ में हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने यहाँ पर आए हैं। और कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द से जल्द हम 5 एकड़ जो मिट्टी है उन पर, जहाँ कुम्हार निवास रहते हैं उन पर हम अमल करेंगे। और जो कुछ ज़मीन ऐसा भी है, शासन ने जरूर ज़मीन हमें दे दिया है, मगर पंचायत के माध्यम से कुछ अतिक्रमण है, उस पर कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम यहाँ से आदेश जारी करेंगे और उसको हम मुक्त कराएंगे और 5 एकड़ जमीन को हम कुम्हार समाज के लिए आरक्षित करेंगे। छत्तीसगढ़ कुम्हार समाज के द्वारा जो है जिले के समस्त कुम्हारों के द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो शासन के द्वारा 5 एकड़ जमीन उनके मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जो है प्रत्येक ग्राम में आरक्षित की जाए, इसके संबंध में शासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उस संबंध में उनको कुछ जगहों पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके संबंध में उनके द्वारा शिकायत की गई है कि संबंधित ग्राम पंचायतों से उन्हें जो है मिट्टी के लिए ज़मीन आवंटित की जाए। अलग अलग कुछ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि किसी गांव में पूर्व से भी करते आ रहे थे तो वहां पर उनको मना किया जा रहा है, कई जगह पर उनको ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पारित कर दिया गया है परंतु रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया गया है, इस प्रकार की उनकी समस्याएँ आ रही। और कुछ गाँव में अभी भी 5 एकड़ उनको नहीं मिला है, तो उस संबंध में भी उनको मांग की गई है कि हमें दिलाया जाए। तो उस संबंध में विभिन्न ग्रामों के संबंध में अलग अलग उनके द्वारा बताया गया है, तो समस्त जनपद पंचायतों और तहसीलदारों के माध्यम से उनको निर्देशित करते हुए, आदेशित करते हुए ये निर्देश जारी किए जाएंगे कि जहाँ जहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं आ रही तो ग्रामवासियों के साथ में, ग्राम पंचायत के साथ में बैठकर आपसी सामंजस्य से समन्वय करते हुए उन लोगों को 5 एकड़ भूमि दिलाया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।